आपने जो बात मैंने कल प्रजातंत्र के मंदिर में, मंदिर के अंदर और सबके सामने मैंने जो कहा था कि आज पिछले एक माह में जब से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वनगमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। और जो 140 करोड़ देश की जनता की आशा रही है, आपके और हमारे कई पीढ़ियों पहले की आशा और सपना रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अगले वर्ष के शुरुआत में उसका उद्घाटन होगा। तो ये जो कुनबा बना है सत्ता की लालच की, ये जो कुनबा बना है, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोदी शाह के जगरनॉट को रोकने के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो कल संसद में मैंने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का जगरनॉट नहीं है, यही तो कठिनाई है कांग्रेस की, ये देश की जनता की लहर है। और इस लहर के सामने ये कुनबा जो सत्ता के लालच के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं, दूध का दूध और पानी की पानी, देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करेगी। उनको अपनी सोच सलामत, गोविंद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको अपनी सोच सलामत, और जनता अपनी निर्णय लेगी और जनता का निर्णय चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।